प्रहार टाइम्स पर खबर दिखाए जाने के बाद एफआईआर हुआ दर्ज। पुलिस ने दहेज लोभियों को किया गिरफ्तार। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो दिन पहले ही कलवा के टकोली मोहल्ला की रहने वाली जनीशा, जो फरियादी है, जिनके ससुराल वालों ने इन पर अत्याचार किया था। जनीशा ने बताया था कि उसे उसके ससुराल में उसकी सास मुन्नी बेगम और उसके पति मोहम्मद अकरम हाशमी दोनों मिलकर उसे मारते थे और दहेज में गाड़ी और कुछ पैसे मांगते थे। यहाँ तक कि जनीशा के सर के बाल भी काट दिए थे और इसे जलाने की बात भी कर रहे थे, जिसको लेकर प्रहार टाइम्स ने खबर दिखाई थी और खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई। कलवा पुलिस फरियादी जनीशा का बयान लेकर एफआईआर दर्ज की है और जनीशा की सास और उसके पति को गिरफ्तार किया है। इन पर धारा 498, 326, 506, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कलवा पुलिस के कार्रवाई के बाद पीड़िता जनीशा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरे साथ जो घटना हुई थी 3 अगस्त को, मैं जब चौकी गई वहाँ से मेरा एनसी लिए थे, वहाँ से मुझे भेज दिए थे। फिर उसके बाद में मेरे घर वालों ने मेरे साथ में न्यूज़ हुआ मेरा, तो न्यूज़ से खबर जो फैली उससे उन लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया कि आओ हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज करेंगे। तो मेरा FIR 7 तारीख को दर्ज हुआ, तब जाके मुझे इंसाफ मिला। मैंने वहाँ पे सब जाके बताई मेरे साथ जो भी हुआ, तब उन लोगों ने लिखे सब, हर चीज़ हुआ, FIR दर्ज हुआ मेरा, तब जाके मेरे को खुशी मिली कि हाँ मेरे साथ इंसाफ होगा। जिस तरह से मेरा FIR दर्ज हुआ है, मुझे खुशी है कि उन लोग मेरे आगे उन लोगों के लिए कार्रवाई भी करेंगे और उन लोगों को सज़ा दिलाएंगे। मैं कलवा पुलिस की आभारी हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा FIR दर्ज। प्रहार टाइम्स की भी मैं आभारी हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया।